हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो, हैदराबादी बघारा खाना और मिर्ची का सालन। तो आइए देखते हैं बघारा खाना और मिर्ची के सालन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने लिया एक ग्लास बासमती चावल, एक प्याज, चार पाँच हरी मिर्च, कुछ काजू, कुछ काली मिर्च, दो बड़ी इलायची, कुछ छोटी इलायची, लौंग और शाही जीरा। शाही जीरा ज़रूरी है। उसके बाद धनिया पत्ती, पुदीना, नमक और करिया पत्ती। ये है हैदराबादी बघारा खाना बनाने के लिए। उसके बाद मैंने लिया है घी, आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं सालन के लिए। मोटी मिर्च 200 ग्राम, मूंगफली 1.5 स्पून, हाफ स्पून कलौंजी, 1.5 स्पून तिल्ली, 1 स्पून जीरा, 1 स्पून कड़ा धनिया, 1 स्पून सूखा नारियल, 1/2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 स्पून हल्दी, तेल आवश्यकता अनुसार, करिया पत्ती, धनिया पत्ती, नमक। उसके बाद मैंने लिया है दही, आप चाहो तो इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम बनाएंगे चावल। उसके लिए मैंने चावल को अच्छे से धो के आधा घंटा भीगने रख दिया। आधे घंटे बाद मैंने एक पैन रखा है, उसमें डाला अराउंड 2 स्पून घी। घी जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने प्याज को लंबा लंबा काट के डाल दिया है। प्याज को डाल के मैं हल्का भून लूँगी। हल्का जैसे प्याज भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शाही जीरा। शाही जीरा कंपलसरी है, उसको हमें स्किप नहीं करना है। उसके बाद 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, फिर एक बड़ी इलायची और कुछ छोटी इलायची डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा इसमें मैं डालूँगी बारीक कटी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है पुदीना। पुदीना डाल के अब मैं डाल रही हूँ करिया पत्ती डाल के, मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा इसमें हम लोग डालेंगे राइस, पर उसके पहले मैंने राइस को पानी से निकाल के छन्नी में डाल दिया है और दूसरी तरफ मैंने रखा है पानी। पानी मैं 1.5 ग्लास ले रही हूँ। हमने 1 ग्लास चावल लिया था उसके लिए मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया है। बासमती राइस में थोड़ा कम पानी लगता है। अब मैंने पानी जब तक गर्म होता है तब तक मैं मसाले को और भून रही हूँ। इसमें मैंने डाला है काजू, काजू जैसे ही भून गया उसमें मैंने डाला है चावल। चावल डाल के मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी। कोई भी चावल हो, चाहे बघारा राइस हो, जीरा राइस हो या पुलाव हो, हमें उसमें ठंडा पानी नहीं डालना है। ठंडा पानी डालने से चावल खिले खिले नहीं बनते हैं। अब मैंने इसमें डाला है नमक। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालना और थोड़ा सा भून रही हूँ। जैसे ये हल्का भून जाएगा हमारा पानी भी गर्म हो गया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। पानी डाल के मैं इसे थोड़ा मिक्स करके ढक के रख दूँगी तब तक जब तक कि चावल पक नहीं जाता या इसमें का पूरा पानी पक नहीं जाएगा। अब मैंने ढक्कन निकाला है, मैं देख रही हूँ चावल थोड़ा सा कच्चा है और इसमें थोड़ा सा नमी है। अब मैं इसे धीमी आँच पर 2-3 मिनट और रखूँगी। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, मिक्स करके मैंने इसे ढक दिया है। अब मैं 2-3 मिनट बाद चेक कर रही हूँ, हमारा चावल काफ़ी अच्छे से बन गया और खिला खिला बन गया। चावल बन गया, अब हम बनाते हैं सालन। उसके लिए मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैंने डाला है मूंगफली। मूंगफली के बाद मैंने इसमें डाला है सूखा नारियल, डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 स्पून खड़ा धनिया, 1 स्पून जीरा डाल के मैं इनको भून रही हूँ। इन्हीं मसालों से हमारी ग्रेवी थिक बनती है। अभी मैंने इसमें डाला है 1/2 स्पून कलौंजी और 1.5 स्पून तिल्ली डाल के इनको मैंने अच्छे से भून लिया है। इनको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 स्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो गया इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को मैं सुनहरा होते तक भूनूंगी। जैसे प्याज भून गया मैंने इसको भी निकाल लिया है प्लेट में। अब मैं इन्हें रख दूंगी ठंडा होने। जब तक ये हमारा मसाला ठंडा होता है मैं मिर्ची में चीरा लगा रही हूँ। हमें सेम वैसे चीरा लगाना है जैसे हम लोग भजिया बनाते समय चीरा लगाते हैं। मिर्ची में मैंने चीरा लगा लिया है। सेम उसी पैन में मैंने 1 स्पून और ऑयल डाला है। डाल के मैं मिर्चियों को 1/2 बॉईल होते तक भून रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा इन्हें भुनना नहीं है, बस उनका कच्चापन निकलना चाहिए। मैंने इनको भुन लिया है। अब हमारा मसाला भी ठंडा हो गया, मैं इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी। मैंने इनको फाइन पेस्ट बना लिया है। अब दूसरी पैन में, दूसरी तरफ मैंने एक पैन रखा है, उसमें ऑयल डाला। ऑयल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून सरसों डाला है। जैसे ही वो क्रैकल होने लगा उसमें मैंने डाला है करिया पत्ती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, फल्ली, तिल्ली और प्याज जिनको हमने अच्छे से भून लिया था। अब मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक ये मसाला अच्छे से भुन ना जाए। मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी दही। यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। जनरली मिर्ची के सालन में इमली का इस्तेमाल होता है बट मैंने इमली स्किप किया है। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो आप इमली डालना। अब मैंने डाला है 1/2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 स्पून हल्दी डाल के। अब मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि साइड से तेल नहीं छूटता है। आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया, तेल भी छूट गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। पानी आप उसमें उतना ही डालना जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए।
गाढ़ी या पतली। यहाँ पे मैंने एक ग्लास और थोड़ा सा, मतलब मैंने सवा ग्लास पानी का इस्तेमाल किया। अब मैं इसे ढक के 2-3 मिनट तक पकने दूंगी। 2-3 मिनट हो गया है, इसमें काफ़ी अच्छे से उबाल भी आ गया है। अब मैंने इसमें डाला है नमक। नमक डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी मिर्ची, जिन मिर्चियों को हमने शेलो फ्राई करके रख लिया था, हल्का भून लिया था। अब मैं इसे मिक्स करके ढक दूंगी, 3-4 मिनट तक पकने दूंगी, या तब तक जब तक कि हमारी मिर्ची अच्छे से पक न जाए। बस ऑलमोस्ट हमारा मिर्ची का सालन बनके रेडी है। ये बघारा खाना और मिर्ची का सालन कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है। अब मैंने इसमें डाला धनिया पत्ती, करिया पत्ती डाल के मैंने इसे थोड़ा मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। बस हमारा मिर्ची का सालन और हैदराबादी बघारा खाना बनके रेडी है। मैं कर रही हूँ इसे सर्व। आप भी ये टेस्टी हैदराबादी बघारा खाना और मिर्ची का सालन बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।